हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम कटोरी कट ब्लाउज सीखेंगे, वो भी ब्लाउज से ब्लाउज कटिंग। तो देखिए, पेपर ले ली हूँ, पेपर में हम पहले क्राफ्ट बनाएंगे। तो ब्लाउज ले ली हूँ, ब्लाउज को सही नाप से आपको लेना है। ब्लाउज देखिए एक बार फोल्ड कर ली हूँ बीच से। उसके बाद देखिए नीचे में आपको 1 इंच का मार्जिन रखना है, क्योंकि आप ब्लाउज से ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे गला भी सेम कर दीजिएगा, गला में कोई मार्जिन यहाँ पे नहीं रखना है आपको। ऊपर में कम से कम आपको 1 इंच का मार्जिन रखना है। और देखिए यहाँ पे दो निशान में लगा रही हूँ, और ये मेन मार्जिन हमारा हो जाएगा, ये हमारा आर्महोल का निशान हो जाएगा। एक कटिंग का निशान लगाइएगा और एक सिलाई का निशान लगाइएगा फ्रेंड्स, ताकि हमारा जो कटिंग हो परफेक्ट हो। इसके बाद देखिए ये हमारा कटोरी जहाँ पे मुड़ता है और जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहाँ का निशान लगाएंगे। इसका ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको बेल्ट में थोड़ा सा नीचे निशान लगाना है, ताकि सिलाई होकर वह परफेक्ट जगह पर आ जाए। इस बात का विशेष यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ही गलती हो जाता है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको कटोरी को शेप देंगे, आर्म होल को भी शेप देंगे, डॉट को यहाँ पे इस तरीके से शेप दे देंगे। बहुत ही अच्छा हमारा ये बना है। और इसको हम एक्स्ट्रा मार्जिन इतना देंगे, ये हमारा पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे देखिएगा हम इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में मैं आपको सिलाई से संबंधित अनेकों टिप्स एंड ट्रिक देते रहती हूँ, जो कि बहुत ही शॉर्टकट तरीका होता है। अगर आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो सिलाई मिनटों में आप सीख जाएंगे। किसी भी साइज का ब्लाउज का अगर लेंथ आपको नहीं बढ़ाना है तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है, सेम आपको मार्क करना है और कटिंग कर देना है। सबसे पहले हम आसन की कटिंग करेंगे, तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे और सेम आपको उतार देना है और उसका कटिंग कर देना है। कहीं पर भी आपको मार्जिन नहीं लेना है। और यहाँ पे आर्म होल का जो गहराई है उसको हम सिलाई करते वक्त देंगे, तो मेरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अभी आपको सेम आपको कटिंग कर देना है। बहुत ही कम समय में आपको बहुत सारी जानकारी दे रही हूँ। अब हम यहाँ पे देखिए योगपट्टी का कटिंग करेंगे। हम इसको थोड़ा सा बढ़ा के कटिंग कर रहे हैं, ताकि हम इसी में ही तुरपाई नीचे से कर सके, एक्स्ट्रा कपड़ा ना लगाना पड़े, इससे सिलाई जल्दी हो जाता है। अब हम कटोरी का कटिंग करेंगे। 1.5 इंच हम इधर से लेंगे, 1.5 इंच इधर से लेंगे और 1.5 इंच हम नीचे से लेंगे। उसके बाद हम सिलाई मार्जिन लेते हुए इसको मिला देंगे। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं इंची टेप का प्रयोग कर रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। इसका सेंटर लेंगे, सेंटर में इस तरीके से इसको मिला देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।